एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम टू माय चैनल नीट्स लाइफस्टाइल। तो सीधे बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो आज का वीडियो जो है वो अमेज़न होम डेकोर हॉल वीडियो होने वाला है। इसमें जो भी प्रोडक्ट्स अभी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी वो सारे प्रोडक्ट्स जो है मैंने अपने गेस्ट रूम मेकओवर एंड वर्क स्पेस एरिया का जो मेकओवर किया था उसमें यूज किया है, और सारे प्रोडक्ट्स मैंने ऑनलाइन लिया है। तो उन सब का लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहेंगे। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है ये किंग साइज सॉलिड बेडशीट। मैंने लाइट पिंक कलर का लिया है, आपको दूसरे कलर में भी आसानी से मिल जाएगा। ये आपका प्योर कॉटन नहीं है, ये साटिन मिक्स है इसमें, इस वजह से फैब्रिक जो है वो उतना सॉफ्ट नहीं है। इसमें आपको दो पिल्लो कवर भी मिलेंगे जो 19x29 इंचेस के हैं। और अब जो अगला नेक्स्ट एक और प्रोडक्ट है वो है ये आर्टिफिशियल प्लांट। ये आर्टिफिशियल प्लांट फोर वॉल्स ब्रांड का है। इसमें टोटल आपको 18 लीव्स मिलेंगे जिसका साइज काफ़ी अच्छा है, और इस प्लांट की हाइट की बात करें तो 70 सेंटीमीटर है, तो हाइट भी अच्छा खासा है, मीडियम साइज में है। ये आपको विदाउट पॉट मिलेगा और दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक मतलब देता है, दूर से देखने से बहुत ही नेचुरल लुक लगता है इसका। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस बोहेमिया कुशन कवर। ये कुशन कवर जो है सेट ऑफ वन में आता है और 18x18 इंच का है। इसका जो लुक जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है, ये जो छोटे छोटे से थ्रेड निकले हुए हैं, और मैंने रस्टिक ब्राउन कलर का लिया है, आपको दूसरे कलर में भी ईजिली मिल जाएगा। इसका फैब्रिक एंड मटेरियल दोनों ही बहुत बेहतरीन है। और अब जो अगला यूज़फुल प्रोडक्ट है हमारे घर के लिए वो है ये फ्लोर कुशन। ये फ्लोर कुशन का साइज़ जो है 50x50 सेंटीमीटर है, आपको 40x40 सेंटीमीटर वाला भी मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन फ्लोर कुशन है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद आया है। कलर मैंने पीच कलर लिया है, आपको दूसरे कलर में भी ईजिली मिल जाएगा। और अब जो अगला प्रोडक्ट है वो है ये रनर। ये रनर सरल ब्रांड का है और एंटी स्किड रनर है ये। मैंने बेज कलर का लिया है, आपको दूसरे कलर में भी मिल जाएगा। इसके साइज 45x120 सेंटीमीटर है, आपको छोटे साइज में भी मिल जाएगा और साथ साथ बड़े साइज में भी मिल जाएगा, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस मॉडर्न वॉल आर्ट। इस तरीके के वॉल आर्ट अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। इसकी साइज 13x17 इंच है और ये आपको विदाउट ग्लास में आता है। इसकी फ्रेम जो है वो वुड की है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वुड है और साथ साथ काफ़ी रिजनेबल प्राइस में भी है। नेक्स्ट है अब ये कुशन कवर। ये कुशन कवर जो है ये वेलवेट का है, इसके फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लग रहा है फिलहाल तो, और साइज़ इसकी 12x18 इंच है और प्राइस वाइज भी काफ़ी रिजनेबल है। और अब जो अगला प्रोडक्ट है वो काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है, वो है ये स्टडी लैम्प। ये स्टडी लैम्प फिलिप्स ब्रांड का है और मुझे इसकी सबसे अच्छी बात जो लगी है वो है इसकी लाइटनिंग। इससे पहले भी मैं एक स्टडी लैम्प यूज़ करती थी लेकिन उसकी लाइटनिंग इतनी अच्छी नहीं थी जितना इसका है। और सबसे बेहतरीन बात इसमें है कि यहाँ पर आपको ये स्विच मिलेगा जो कि काम करते टाइम पर ऑन ऑफ करने का टेंशन नहीं है, और इसका लुक जो है वो कुछ इस तरीके का है, बंद करने के बाद में ऐसा दिखता है, और नीचे वाला पार्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, रखने के बाद में हिलने डुलने का डर नहीं रहता है। और प्राइस वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि प्राइस को जस्टिस दे रहा है।
उसके बाद अब जो अगला प्रोडक्ट है वो है ये फ्लोरल प्रिंट शीर कर्टन। ये कर्टन मैंने अपने गेस्ट रूम में ही लगा के रखा है, काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था लगाने के बाद में। इसका प्रिंट जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये मैंने 7 फिट का लिया है, आपको 9 फिट में भी ईजिली मिल जाएगा। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा प्राइस वाइज थोड़ा एक्सपेंसिव है, नहीं तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा कर्टन है ये। एंड द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस मेटेलिक बोर्ड एंड वाइट राइटिंग बोर्ड, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। साथ में आपको इस तरीके से क्यूट क्यूट से मैग्नेट भी मिलेंगे और साथ में आपको ये एक मार्कर और डस्टर भी मिलेगा। इस बोर्ड का साइज 15x19 इंच है, तो काफ़ी अच्छा खासा साइज है इसका, काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है ये वर्क स्पेस एरिया पे रखने के लिए। और अब जो अगला डेकोर प्रोडक्ट है वो है ये एक मोटिवेशनल कोट। सच में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, कलर फिनिशिंग बहुत अच्छा है, वुड का बना हुआ है ये और साइज इसकी 4x6 इंच है और कलर फिनिशिंग वगैरह भी बहुत अच्छा है, ओवरऑल बेस्ट प्रोडक्ट है ये। अगला प्रोडक्ट ये पेन स्टैंड है, ये पेन स्टैंड मेटल का बना हुआ है, कलर फिनिशिंग वगैरह बहुत सही है, साथ साथ काफ़ी स्टर्डी भी है एंड प्राइस वाइज भी काफ़ी रिजनेबल है। उसके बाद में अगला आइटम जो है वो है ये कैलेंडर। ये कैलेंडर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, इसका फ्रेम जो है वो वुड का है और इसे आप आगे चल के भी रीयूज़ कर सकते हैं, जब ईयर एंड हो जाए तो इसमें आप अपना फ़ोटोज़ वगैरह लगा के कहीं पे भी रख सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट भी सच में बहुत ही मुझे पसंद आया है। नेक्स्ट इज दिस मोटिवेशनल वॉल फ्रेम। मुझे अपने वर्क स्पेस एरिया के लिए कुछ इस तरीके का ही मोटिवेशनल कोट वाला ही फ्रेम चाहिए था और सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये आया। इसमें भी आपका ग्लास नहीं लगा हुआ है, एक्रिलिक शीट लगा हुआ है, जो कि अच्छी बात है और इसकी साइज 10x13 इंच है। एंड द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस बैम्बो प्लांट हैंगर। इसका जो मैक्रेमे थ्रेड का जो काम किया हुआ है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी स्टर्डी भी है, आप इसमें आराम से प्लांट वगैरह रख सकते हैं। मैंने इसमें कुछ इस तरीके का आर्टिफिशियल प्लांट को रखा है। तो यही था आज के वीडियो में, आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और आपको इन सब में से कौन सा डेकोर आइटम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं अपने आने वाले वीडियोज़ के अपडेट एंड पिक्चर्स वगैरह शेयर करते रहती हूँ। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टिल देन बाय बाय।